भानुप्रतापपुर के महाराज सीमावर्ती गांव सिलपट गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में न घुसे, इसके लिए महिलाएं डंडे पकड़कर दिन रात चौकीदारी कर रही हैं और सड़क पर पेड़ काटकर रास्ता भी जाम कर दिया गया है। भानुप्रतापपुर अंचल में कोरोना वायरस की धमक के बाद ग्रामीणों में भी दहशत व्याप्त है और गाँव में अंदर जाने वाले मार्गो को बंद कर दिया गया है। इसी कड़ी में ग्राम सिलपट में महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर कोई भी बाहरी व्यक्ति न आ सके इसके लिए गली सड़क को जाम कर दिया और खुद भी डंडे लेकर सड़क किनारे पहरा दे रहे हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति गांव में न आए। ग्राम सिलपट लोहत्तर जो राजनांदगांव महाराष्ट्र का सीमावर्ती गांव है, इस स्थिति में कोई भी संक्रमित व्यक्ति यहां प्रवेश न कर सके इसके लिए ग्रामीणों का जनपद अध्यक्ष संत दुग्गा ने इस गाँव में बैठक लिया और राजनांदगांव सीमा क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति न आए इसकी तैयारी की है और कुछ ग्रामीणों ने कई पेड़ काट कर सड़क को जाम कर दिया है। हालांकि इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन वे ग्रामीण लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के उपाय को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं कांकेर जिले में 5 मामले आए हैं। दुर्गकोंदल इलाके के 2 गांव में पॉजिटिव आने के बाद लोगों में दहशत व्याप्त है और महाराष्ट्र का जो सीमा है जो सिलपट गांव में पड़ता है, लोगों ने यहां पर रास्ता जाम करने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काट दिया है और लोगों को रोकने की कोशिश गांव वाले कर रहे हैं। देखना होगा ये ग्रामीण कितने रोक पाते हैं कि लोग बाहर से ना आ पाए और संक्रमण क्या रुक पाएगा, ये बात देखने वाली होगी। सुमन सिन्हा, IDP24, भानुप्रतापपुर। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।